हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल से अबाउट क्लास 10th। इसका ब्रिज कोर्स देखेंगे हम, ब्रिज कोर्स पोस्ट टेस्ट जो कि मैथ्स ये सब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस। 4 मार्क के क्वेश्चन है और 4 मार्क्स इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एम स्क्वायर माइनस 16n² r। इसके फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या रहते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, ए यानी कि यहाँ पर m देकर और b यानी कि यहाँ पर 4n, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है 4 का, है ना। तो इसका मतलब 4n इसका होल स्क्वायर। सो मैंने एम स्क्वायर को लिखा एम स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 16n² को लिखा 4n होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि m प्लस 4n, m माइनस 4n। तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इफ 12x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 26 एंड 13x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 24, देन फाइंड x प्लस y। तो मैंने देखो ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि आपका टाइम बचना चाहिए और फिर उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो 12x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 13x प्लस 12y इज इक्वल 24। ये दोनों की एडिशन करो, 25x प्लस 25y 50 आएगा, और 25 से डिवाइड करो तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर 2 होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन है जो ट्रांसवर्सल से इनसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सपोज ये दो पैरेलल लाइन और ये उनकी ट्रांसवर्सल है। इफ मेजर ऑफ वन एंगल फॉर्म इज 70, जब एखादा एंगल 70 का होगा तो उसका अल्टरनेट एंगल कितना? अल्टरनेट एंगल मतलब ऐसे जेड रहता है, तो ये 70 तो ये भी 70 होगा। सो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, हेंस 70 इज इक्वल्स टू 70। सो इसका आंसर भी 70 ही होना चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट 5 यूनिट्स डिस्टेंस बिलो इट इज। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ग्राफ ऐसा होगा, तो वाई एक्सिस में से जाएंगी एक लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, जो 5 यूनिट डिस्टेंस दूर है बट कहाँ पर? बिलो, यानी कि -5। तो अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होगी? जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 -5, है ना। सो इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू -5 इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू -5 ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है इसमें क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में है सॉल्व द फॉलोइंग। ये 5 मार्क्स के लिए है। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 4√8 प्लस इंटू 3√2। सो ये दोनों नंबर की पहले मल्टीप्लाई होगी और रूट वाले की अलग से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो सिंगल में ले लिए तो वो होगा 8 × 2 = 16। सो 12 × √16 और √16 मतलब 4। सो 12 × 4 = 48, इसका आंसर 48 होगा। इसके बाद क्वेश्चन टू है, इफ़ p/q इज इक्वल्स टू 7/3 देन फाइंड p − q/q। सो p/q है 7/3, सो बाय डिवाइडेंड प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सो p − q/q इज इक्वल्स टू 7 − 3/3, जो क्या आएगा 4/3। सो 4/3 इसका आंसर है। देन मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रॉम्बस इज 50, एक एंगल है रॉम्बस का 50 डिग्री का, देन फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। सो ये रॉम्बस मैंने ड्रॉ किया है, एक अगर 50 होगा तो दूसरे को मैंने x लिया है एडजेसेंट को, और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रॉम्बस आर सप्लीमेंट्री। रॉम्बस के जो एडजेसेंट एंगल्स रहते हैं ना, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों की एडिशन कितनी होती है? 180। सो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 लिया हूँ, और x इज इक्वल्स टू 180 - 50, यानी कि x इज इक्वल्स टू 130। सो उसका मेजरमेंट कितना आएगा? 130। क्वेश्चन फोर्थ है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्वेश्चन मुझे सीधा सीधा लगा, इसलिए मैंने सीधे सीधे इसका आंसर दे दिया है कि साइन 60 ये √3/2 रहता है, इसलिए थीटा भी क्या होगा? 60 डिग्री, और फिर कॉस 60 डिग्री क्या है? 1/2, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, उसके बाद है ड्रॉ एंड एंगल ऑफ मेजर 125 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। सो यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन आ गया है, और कंस्ट्रक्शन में कभी भी सॉल्व कर नहीं रखता, सॉल्व कर बताता हूँ। ओके, सो 125 का एंगल हमको ड्रॉ करना है,
और उसको बाइसेक्ट करना है। तो ये तो स्टैंडर्ड 6 का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उतना हार्ड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि देखो मैंने एक रे निकाली है ओ बी, और ओ पर रखता हूँ मैं प्रोट्रैक्टर, ये ज़ीरो एडजस्ट किया, ये मैंने बेसलाइन एडजस्ट की पूरी तरह से, ओके। और 125 बोल रहे हैं ये, इसलिए 125 कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर लाइन दिख रही है जाते हुए वहाँ से 10 काउंट कर रहा है, और 10 लेकर ये मिल गया मुझे 120, और 120 के बाद ये जो बिगर लाइन है ये होंगी 125 की। सो यहाँ पर मैं डॉट दे देता हूँ, ओके। तो ये हो गया 125, और इसको मैं जॉइंट कर लूँगा, और मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है, और पेन का यूज़ मैं क्यों करता हूँ वो तो आप मेरे वीडियो में से पता चल ही जाएगा आपको। तो ये है 125 डिग्री, आपको वीडियो में प्रॉपरली दिखना चाहिए इसलिए मैं पेन का यूज़ करता हूँ। उसके बाद हमको लेना है कंपास, ओके। और कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस लेने के बाद हमको ऊपर रख देंगे हम, उन्होंने नाम नहीं बताया इसलिए मैं नाम कुछ भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए ओ बी, ओके ए ओ बी। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेना, कितना, ये जो दोनों डिस्टेंस है इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस, ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लिया है मैंने, समझ में आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर आपको आयरन टिप रखना है, और यहाँ पर एक आर्क, उतना ही डिस्टेंस, इसको अब कोई भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना, और यहाँ पर रखना है, और ये एक आर्क, ओके। और ये एक पॉइंट हमको मिला हुआ था, और ये दूसरा पॉइंट हमको मिल गया, और इसको जब आप ज्वाइंट करेंगे तो ये मिल गया एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ सी। सो ए ओ सी और सी ओ बी, ये दोनों का इक्वल मेजर रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन बोला था और कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग, जो भी 10 मार्क्स के लिए है जो हमको देकर। तुषार परचेस क्लोथ फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम ऑफ रुपीज 316, 316 रुपीज़ का एक क्लोथ तुषार ने एक शॉप से ख़रीदा है, उसको उस पर 25% डिस्काउंट मिला, तो उसने कितने रुपीज़ दिए होंगे। सो डिस्काउंट मिला 25%, 25% मीन्स 25/100, 316 का, इसलिए मल्टीप्लाई लिए, और जब 25 1s are 25, 25 4s are 100, 316 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 79 उसका आंसर आएगा। सो 79 रुपीज़ इतना उस पर डिस्काउंट था, ठीक है, समझ में आया, इतना उस पर डिस्काउंट लग चुका था, और इतना डिस्काउंट पेड करना मतलब परचेस प्राइस, उसने कितने में खरीदा होगा, जितने की प्राइस थी माइनस डिस्काउंट। सो 316 रुपीज़ प्राइस थी माइनस 79 रुपीज़ डिस्काउंट, सो तुषार ने 237 रुपीज़ पेड किए होंगे शॉपकीपर को, तब जाकर उसको क्लोथ मिला होगा, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ 5, 6, x, 9 and 13 इज 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरिथमेटिक मीन मतलब ही एवरेज होता है, मीन होता है, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। मैंने सम ऑफ नंबर की 5 + 6 + x + 9 + 13, और डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, कितने नंबर है 5, सो इसलिए डिवाइड बाय 5। सो इसको सॉल्व किया, मैंने 5 को यहाँ पर ट्रांसफर किया, पहले अरिथमेटिक मीन देकर 8 मल्टीप्लाई हो गए 5 इज इक्वल्स टू, ये सबके एडिशन 33 प्लस एक्स, सो 40 - 33x इज इक्वल्स टू 7, सो x की वैल्यू हमको 7 मिल गई है। उसके बाद है क्वेश्चन 3, इन अ सर्कल विथ सेंटर P, एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर की है, सेगमेंट ए बी उसकी कॉर्ड है, लेंथ ए बी 24 है, पी क्यू परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैंने डायग्राम ड्रॉ की है जबकि समझ नहीं आनी चाहिए इसलिए। सो ए बी कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर की, पी ए यानी कि रेडियस 13 है, और डिस्टेंस ये पूछा गया है, हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक रूल पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर परपेंडिकुलर कोई कॉर्ड पर ड्रॉ करते हो तो वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को, सो हेंस ए क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 AB, सो 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए क्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर इतना।
अब ये 12 है, ये 13 है, तो पी क्यू ये डिस्टेंस पूछा गया, ये कितना, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी ए स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, सो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, हेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो हेंस द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। सो इस टाइप से इसका आंसर आता है। अब स्टूडेंट कमेंट में मुझे बोलना नहीं बीच बीच में हाथ क्यों डालते हो, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ अगर मैं हाथ नहीं डालूंगा तो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि वाह मैं बीच में हाथ नहीं दिखना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, और बाद में मैं हाथ निकाल भी देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सो कैपेसिटी मतलब ये वॉल्यूम रहता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट आउट किए तो 2200 सीएम क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब उसका कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम मिल जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी है 30, एंगल आर है 60 और हाइपोटेनस है 8, सो पी क्यू और क्यू आर इसकी वैल्यू हमको पूछी गई है। सो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू है 90, पी है 30, आर है 60, सो आर क्यू, ये आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ पी आर, यह हाइपोटेनस के हाफ रहता है, जिसका रीजन दिया है मैंने कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। 30 डिग्री के अपोजिट वाली कौन सी भी साइड है वो हाफ रहती है, आधी रहती है, इसलिए आर क्यू इज इक्वल्स टू 1/28 यानी कि 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप पी क्यू कितना है √3/2 हाइपोटेनस, यानी कि इसका भी रीजन है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। 60 डिग्री के अपोजिट का जो भी साइड होंगी वो हाइपोटेनस के √3/2 रहती है, इसलिए 8 का √3/2 क्या है 4/√3 सॉरी 4√3, सो पी क्यू कितना आया 4√3। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, सॉल्व द सब क्वेश्चंस, जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, फर्स्ट उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन को फर्स्ट मैंने 1 और 2 नंबर दिया, बट ये कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें कुछ, सो इसलिए मैंने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, सो ये हो गया 2a + 4b इज इक्वल्स टू 28, इसको इक्वेशन 3 देता हूँ। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे, तो 3a + 4b इज इक्वल्स टू 34 माइनस 2a + 4b इज इक्वल्स टू 28, और जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, इसलिए ये साइन चेंज हो गए। सो 3a - 2a, ए 4a - 4b कैंसल, 34 - 28 6, सो ए कितना आया 6। सो इसकी वैल्यू पुट करो कोई भी इक्वेशन में, तो मैंने 1 में पुट की है, तो 6 + 2b इज इक्वल्स टू 14, सो हेंस बी इज इक्वल्स टू 4। ओके, बी की वैल्यू 4 आ गई, सो ए इज इक्वल्स टू 6 और बी इज इक्वल्स टू 4। सो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी एम एन सच दैट लेंथ एम एन है 5.7, एम है 65, पी है 60। सो एम एन की साइड देकर है, तो एम का और एन का एंगल हमको पता होना चाहिए, अगर ये पता होगा तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सो इसलिए इसको एन की साइड देकर नहीं एंगल, तो इसलिए हमने किया एम प्लस पी प्लस एन इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल उनके एडिशन 180 होती है। सो एंगल एन 180 माइनस 125, सो एंगल एन इज इक्वल्स टू 55 डिग्री आया, और अगर यह 55 डिग्री आ गया होगा तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। सो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। सबसे पहले तो हम एम एन लेंगे 5.7 सेंटीमीटर, तो ये है 5.7, ठीक है। सो एम एन मिल गया हमको 5.7 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल एम है 65 डिग्री, सो एंगल एम ये है 65, ये 60 के ऊपर 65, तो इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ पहले, और मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, है ना,
नहीं, मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल यूज़ करनी है। एंगल एन है 55, सो एंगल एन निकला, ये है 0 एडजस्ट किया मैंने, और इधर से काउंट करूँगा मैं, ये है 55, ओके। और इसको भी मैं जॉइंट कर दूँगा, सो ये ट्रायंगल मिल गया हमको एम एन पी। सो एंगल एम था 65, एंगल एन था 55, और ये था एंगल 60, तो ये मिल ही गया होगा 60। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमको सॉल्व करना होता है और सॉल्व करना पड़ेगा ही, कि थर्ड एंगल हमने निकाला पहले और तब जाकर हमने कंस्ट्रक्शन की है और तब जाके आंसर उसका आया है। उसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे हेल्पफुल वीडियो लगे होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।